मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्ब्री न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है। और आज का शो मेरा है 182, 182 शो है मेरा, जो आज सच्ची और अच्छी बातों में होगा। तो आप सबके सामने सबसे पहले तलावते कलामे पाक। तो आज का जो हवाला मुझे मिला वो है करंथियो 1:15, उसकी 9 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ूंगा, क्योंकि मैं रसूलों में से सबसे छोटा हूँ, बल्कि बल्कि रसूल कहलाने के लायक भी नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था, लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुआ बल्कि खुदा के फजल से हुआ जो मुझ पर था। बस खा मैं हूँ खा वो हो, हम यही मनादी करते हैं, और इसी पर तुम ईमान भी लाओ। बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हो कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं। खुदावंत के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जो है मैं शुरू करता हूँ, और आज का शो जो मेरा है उसका टॉपिक है रिश्ते, रिश्ते नाते, जो के हम इस दुनिया के रिश्ते नातों से चलते हैं। तो सब, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने अभी पाक तलावते कलामे पाक की, तो सबसे बड़ा जो पहला रिश्ता वो हमारा बाप जो आसमान पर मौजूद है, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, क्योंकि उसने इंसान को बनाया। सबसे पहले उसने इंसान को बनाया, और उसने उसके नथनों में सांस फूंका और वो जिंदा जावेद हुआ। तो खुदा सबसे पहला हमारा बाप जो अजली और अब भी बाप है। तो उसके बाद जैसे जो भी हिस्ट्री है पाके कलामे पाक की, हम पढ़ते हैं पदाश की किताब से, फिर आदम को बनाया, फिर माई हवा आई, फिर उसके बाद उसमें से आगे जो इंसान की नस्ल चली। तो ये रिश्तों का आगाज है। ये मैं पता नहीं गलत हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से, चूंकि मेरे आज का टॉपिक है रिश्ते, तो रिश्तों का आगाज सबसे पहले उसी ने किया, जिसको हम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक मानते हैं। तो उसका उसके बाद उसका बेटा इस दुनिया में आया, जिसने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, और वो उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो वो सबसे बड़ा रिश्ता वहां से शुरू होता है। तो उसके मैं शो शुरू करता हूँ। तो कलीम मुगल, ईमानदारों, कलीम मुगल कहते हैं ईमानदारों, आओ एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय एक दूसरे के लिए हाथ उठाएं, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय हम एक दूसरे पर, एक दूसरे के लिए हाथ उठाएं, दुआ मांगे एक दूसरे के लिए। हाथ उठाने का मतलब है कि हम हाथ उठाकर एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, ताकि आसमान का खुदा जो हमें माफ करे और हमारी हालतों को बदले। आमीन। क्या बात है कि आसमान का खुदा हमें माफ करे और हमारी हालतों को बदले, कि हम इन रिश्तों को माने। बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, चाचे तायों का रिश्ता,
हम इन सब रिश्तों से एक वक्त था। बिल्कुल ये सच्ची बात है। ये पता नहीं, हर कोई अपने जमाने की बात करता है, तो चूंकि जमाना, जब नई नस्ल आती है तो जमाना बदल चुका होता है। जैसे मैं अब कहता हूं कि मैं जवान था, बचपन से लेकर ये सारे रिश्ते देखे, लेकिन इन सारे रिश्तों में उस वक्त बहुत प्यार मोहब्बत था। हम कजन्स, चाचे, मामे, मासियों, बेटे, बेटियां एक दूसरे को सब बहन भाई समझते थे, लेकिन अब नफसा नफसी का दौर हो गया है, तो इन रिश्तों में काफी सारी दूरियां हो गई हैं। तो उसके बाद रिश्ते शहजाद गिल कहते हैं, कौन किसे दा गम लैंदा है, कौन किसे दा कम लैंदा है, हर कोई अपना कम लैंदा है। ये रिश्तेदारियां तो हुण नहीं, हुण ते हर कोई अपना कम लैंदा है, जिदा जिन्नू काम जिदे नाल होवे, चाहे वो रिश्ता ना भी होवे, असी ओदे नाल रिश्ता बना लेने, लेकिन जदों वो काम निकल जांदा है तो फिर असी बाय बाय कह देने, फिर कोई रिश्ता नहीं रहिंदा। ते ये जमाना आ गया हो जिया, कौन किसे दा गम लैंदा है, कोई किसे दा गम नहीं लैंदा, सिर्फ कम लैंदा है, मतलब लैंदा है। जिस तक मैं पिछे मेरे ख्याल एक शो पहलो मैं कीता सी, दुनिया मतलब दी, क्योंकि हर रिश्ता आजकल सिर्फ मतलब दे हवाले नाल है। फिर उसके बाद एक शेर है जीम फे गौरी का, बात तो मुख्तसर सी होती है, बात तो मुख्तसर सी होती है, उम्र लगती है उसको कहने में। बिल्कुल आजकल शायर जो हैं, नए दौर के शायर, वो पूरी गजल या पूरी नज़म नहीं लिखते, दो लाइन के शेर में सारी बात समझा देते हैं। बात तो मुख्तसर सी होती है, उम्र लगती है उसको कहने में। बिल्कुल हम कई बार ये सोचते ही रह जाते हैं कि ये बात कहूंगा अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों को, किसी भी हवाले से ले लो, किसी भी तरफ ले जाओ, लेकिन मैं चूंकि रिश्ते के नाते से आज शो कर रहा हूं, तो हमें ये बात कहने कहते कहते मुद्दत गुजर जाती है। जैसे चलो एक रिश्ते की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बेटा आ गया है, मेरे फलाने रिश्तेदार की बेटी है, तो हम क्यों ना हम कोशिश करें कि हम रिश्ते को और मजबूत कर लें, लेकिन हमें जरूरत नहीं होती। और ये एक छोटी सी बात कहते हैं, छोटी तो नहीं है, क्योंकि रिश्ते की बात, जोड़े बनने वाली बात, लेकिन हम कहते कहते वक्त गुजार देते हैं और वक्त गुजर जाता है। उसके बाद बाबे बुल्ले शाह की, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बहुत बार ये बहुत मशहूर शेर है और अक्सर फेसबुक पे आता रहता है, तो ढल दे सूरज, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझे दीवे बल दे वेखे। बिल्कुल जेड़े सूरज ढल चढ़ते ने उन्हें ढलना भी होंगे, जेड़े जवान होंगे ने उन्हें बुढ़े भी होना होंगे, वे क्योंकि ये दुनियादारी की एक गल है, ये रस्म है कि जेड़ा इस दुनिया ते आया और पैदा होया, वो बच्चा भी होया, वो जवान भी होया, उन्हें बच्चे भी वेखे, फिर वक्त आ गया कि वो बुढ़ा होना शुरू हो गया, तो फिर वो टलना शुरू हो गया। मैं हर शायद शेर की तश्री रिश्ते दे हवाले नाल ही करांगा। हीरे दा कोई मुल ना तारे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चल दे लेके। अजकल दे दौर च तो सिक्के तू खोटे चल दे ने, जेड़े असली हीरे, जेड़े असली रिश्ते, जिन्हां नूं सानूं मनना चाहिदा, असी उन्हां नूं नहीं मानदे, बल्कि असी जेड़े साडे रिश्ते नहीं हुंदे, असी उन्हां नूं ज्यादा मानने, खोटे सिक्कियां वाले पासे, झूठ वाले पासे, मुनाफकत वाले पासे असी ज्यादा जाने हैं। जिन्हां दा ना जगते कोई, जिन्हां दा ना कोई जगते कोई, खो ओ भी पुत्तर पाल दे वे। बिल्कुल ठीक बात, 100%। आप जो भी मेरी उम्र के, या मेरी उम्र से बड़े, या मेरी उम्र से छोटे, आप देखें, अपने इर्द गिर्द देखें,
गांव में, शहर में, मोहल्लों में के कई लोग जिनके माँ बाप भी चले जाते हैं, हिस्ट्रियां हैं जिन्होंने हिस्ट्रियां बना दी, लेकिन चूंकि वो मेहनत करते हैं, रिश्तेदारों में तो उनको कौन ही पूछता, क्योंकि वो गरीब होता है, लेकिन वो मेहनत कर करके इतना कुछ कर देता है कि वो वाकई जिन्ना दा ना जगते कोई, वो भी पुत्र पलदे वेखे, वो भी पल जाते ने, वो इन्ने को अच्छे पल जाते ने कि वो खुदा खुदा दे नाम दे बहुत कुछ कर जाते ने, जिन्हां नूं असीं कुछ नहीं समझते, यतीम समझने हैं, गरीब समझने हैं, ते ओदी रहमत दे नाल, अगे शेर बड़ा अच्छा है, ओदी रहमत दे नाल बंदे बंदे पानी ते चलते वे, ओदी रहमत दे नाल, मैं अगर ये हवाला लै जा खदाम यसु मसीह वाल कि वो पानी ते चलिया, जेडे शायर लोग ने ये सारी हिस्ट्रियां पढ़ते ने, फिर उन्होंने हवाले देंदे ने, ते मैं समझना है बाबे बुले शाह ने वही हवाला दिता है कि ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी ते चलते वेखी, लोकी कहिंदे दाल नहीं गलदी, लोकी कहिंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे, सही गल है, अगर तुहाडे च हिम्मत ताकत है ते तुसी ये कर सकते हो, कोशिश करो ते सब कुछ हो सकता है, जिन्होंने लोग दुनिया ते ना कीता है उन्होंने पत्थर गाले ने, मेहनत कीती है, इस करके बुल्ला शाह कहिंदा कि लोकी कहिंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे, क्योंकि ये सारी चीजा जिहड़ियां तजर्बे नाल हुंदियां ने, ते जिहड़ी पोस्ट सी एक काशिफ नवाब गिल साहब दी सी, उहदे बाद ये भी एक हकीकत है, इंसान इतना मजबूत पहाड़ों का सीना चीर के रख दे, बिल्कुल इंसान इतना मजबूत होता है कि वो पहाड़ों का सीना चीर करके रख देता है, और कमजोर इतना है कि लम्हों को और लफ्जों से भी टूट जाता है, बिल्कुल। मैं आज ही आप ये भी खबरनामा देखा होगा कि एक रशियन बुलंदी पे, पता नहीं कितनी बुलंदी पे पहुंच गया था, जख्मी हो गया, उसको निकालना, तो वो इंसान जब मजबूत होता है तो पहाड़ों पर भी पहुंच जाता है, जैसे श्री फरियाद की के उसको कहा गया कि श्री के लिए तुम दूध की नहर निकाल दो, उसने ईमान के साथ, मजबूती के साथ, प्यार को सच साबित करने के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसने पहाड़ से नहर खोद दी जिसमें से दूध बह निकला। उसके बाद शीरी मुगल कहती हैं, जब लोग किसी से मोहब्बत करते हैं, जब लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, ये तो दुनियावी बात है, रिश्तेदारियों की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जब लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, और जब जब उससे नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, बिल्कुल ये सच्ची बात, अच्छी और सच्ची बात, 100% सच्ची बात, इसमें कोई शक नहीं, आप सब कुछ करते हैं, अपने देखते हैं, आपके साथ ये सारी बातें बीतती हैं कि जो कल आपके बहुत अच्छे दोस्त से, जो अच्छाइयां करते जिनका मुंह नहीं सूखता था, आप पे बुरा वक्त आ गया, या उनको हमसे अच्छे दोस्त मिल गए, तो फिर वो उन दोस्तों के सामने ही हमारी बुराइयां शुरू कर देते हैं, तो ये रिश्ते नाते की बातें हैं, ये दुनियादारी की बातें हैं, कि हम जिस खाल के हकीकी ने हमें पैदा किया, हम तो उसके रिश्ते, उस रिश्ते को भी तोड़ बैठे हैं, अगर हम उस रिश्ते को देखें, जैसे मैंने शुरू में बोला कि सबसे बड़ा जो बाप और बापों का बाप है, अगर हम उस रिश्ते को कायम रखे तो उसने हमें पैदा किया, आज अगर कोई चाचा, कोई मामा, कोई फूफी या मासी, तो सब ये रिश्ते उसकी तरफ से आए हैं, तो हमें इन सब रिश्तों की कदर करनी चाहिए। उसके बाद एम आदमी ना गरीब नू वेख के हसया कर, साडा को रिश्तेदार गरीब
गरीब हो वे फिर असि हसने थोड़ा जा सीनियर हो जाए बुढ़ा हो जाए जो सारे बच्चे भी छड़ जाते भैन भरा भी छड़ जाते ते गरीब ते फिर लोकी ओ हसते ने ते ए, ते बाबे फरीद की गल है ना गरीब नु वेख के हसया कर ना बुरी नजर नाल टकया कर क्योंकि उन्हें भी जमाना वेख्या उन्हें भी सब कुछ वेख्या जवानी वेखी बचपना वेख्या बहारा वेखिया की हो गया गरीब हो गया सानू इंसानियत की कदर कर दिया हो सानू किसी भी माड़े गरीब से नहीं हसना चाहिए बहुत बुरी गल है जिदे नाल इंसान की जेड़ी रेंदी खुंदी भी कोई ताकत होंगी है वह होर कमजोर हो जाती है क्योंकि इंसान ये चीजा लैके बह जाए ने सोचा लैके बह जाए कि कल जो मैं बरसर इकतेदार सदो मेरी बल्ले बल्ले सी ते सारे बल्ले बल्ले करते सन अज मेरी बल्ले बल्ले खत्म हो गई तो मैं मेरे अज लोग हसन लग पे ने लोग लभदे फरीदा लोग लभदे फरीदा कदी अपने अंदर ही तकिया कर सी बिलकुल असी अपने लोगों के अपने रिश्तेदार भावे असि किन्ने भी एक दूसरे कमजोर करने ली थले लाण ली जिन्हों असी पंजाबी चाहते हैं असी ओदे ऐब लभने लेकिन असी कदी अपने अंदर कदी नहीं वेखते असी अपने मंची अगे या पीढ़ी अगे मैं परसों एक शेर पढ़िया सी सैमसन तारक साहब का असी कदी अपनी पीढ़ी थले डांग नहीं फेरते कि साढ़े च किनियां बुराइया ने असी दूसरे दियां बुराइया लभने बहुत अच्छा शेर है बाबे फरीद का तो सैमसन सोत्रा कहते हैं कोई किसी के दोस्त आज किसी के दोस्त होने की ख्वाहिश मंद हजरात कल खुद किसी लड़की के बाप बन जाएंगे बहुत अच्छी पोस्ट बहुत आजकल के दौर की पोस्ट मैं कहता हूं कि जो लोग जो नौजवान आज लड़कियों से दोस्ती करने के लिए भाग दौड़ करते हैं अपना मुस्तकबिल गवा देते हैं। मैं एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ मैं रोज फेसबुक पर देखता हूँ जिसमें मेरे गांव की लड़कियां भी शायद शामिल हुई हैं। वो एक आध लड़का देखा मैंने अदरवाइज जितनी लड़कियां वो आ रही उन्होंने बोर्ड से टॉप किया गुजरनवाला से खानेवाल से पता नहीं लाहौर से कहाँ कहाँ से सब लड़कियां आ रही है किसी एक लड़के का कल शायद मैंने नाम देखा गुजरन वाले से मुझे नाम नहीं याद रहा तो लड़कियां इतना नाम पैदा कर रही हैं तो हमारे लड़के कहाँ हैं वो सिर्फ क्यों नहीं इसी वजह से कि वो नहीं लड़कियों के पीछे दोस्ती के पीछे भाग रहे हैं लेकिन अपना मुस्तकबिल खराब कर देते हैं और यही वजह है कि आज हमारे पास अच्छे लीडर नहीं है। आज अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो जो अगर कोई पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं कामयाब तो चूंकि पाकिस्तान में कोई उनको मिलने वाली नौकरियां अच्छियां नहीं है कुछ अकलियती वजह से तो फिर वो कोशिश करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हम आज अगर किसी की लड़की के पीछे दोस्ती के लिए भाग रहे हैं तो कल खुद किसी लड़की के बाप बन जाए फिर हम कोई देखेगा तो हम गोली बंदूक लेकर दिल करेगा किसको गोली मारते इसने मेरे बहन की तरफ या मेरी लड़की की तरफ देखा लेकिन वो वक्त याद नहीं कि जब बाप खुद लड़कियों से पीछे भागते और दोस्ती लगाने की कोशिश करते थे। हमारे नौजवानों में कोई तब्दीली नहीं और इसी वजह से हमारी कौम कोई पुख्ता कौम नहीं बन रही क्योंकि हमारे नौजवान आगे नहीं आ रहे। तो आज अपनी माँ को धोखा देने वाली लड़की की बात भी आ गई कि आज अपनी माँ को धोखा देने वाली लड़की कल खुद माँ बन जाए तो ये धोखा सहेगी बिल्कुल क्योंकि पंजाबी दी गल है कि जिहदी माँ जिहदी लड़की भज जाती है तो वक्त आता है कि वो बेटी भी
जो जवान होंगी तो वह उ कारनामा करती है। इसलिए सानू अपनी नस्ल न तरबियत देने वास्ते, हमें उनको तरबियत देने के लिए ये सोचना चाहिए कि हमें बाप भी बनना है, हमें माँ भी बनना है। अगर हम कोई बुरा किरदार करेंगे, वक्त आएगा कि वो बुरा किरदार हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे बच्चियां भी करेंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है सैमसन। तो आज तुम किसी के खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो कल तुम्हारे अब हाल भी यही होगा। बिल्कुल, अगर आज हम अपने खानदान का, अपने रिश्तेदारों का, अजीजों का, अड़ोस पड़ोस का, पड़ोसियों का ख्याल नहीं करेंगे तो कल वक्त आ जाएगा, कल वो वक्त आएगा कि आपकी इज्जत भी कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, तुम किसी के खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो कल तुम्हारे तुम्हारे भी हाल यही होगा। बिल्कुल, ये तो जी नु जी है ना, जेड़ा कोई अच्छा किरदार करेगा तो खुदा उन्हें बरकत देगा, ओरे वास्ते भी अच्छा काम होएगा। लेकिन अगर असी अपने किसी लिए अच्छा सोचांगे तो फिर साडे लिए अच्छा जरूर होएगा। तो आज किसी की इज्जत तुम्हारे लिए टाइम पास है, नौजवानों के लिए आज किसी की इज्जत तुम्हारे लिए टाइम पास है तो कल तुम्हारी बेटी खुद किसी के लिए टाइम पास हो जाएगी। क्या बात, बिल्कुल। हमें अगर हम इन बातों को जवानी से, जब स्कूलों में हम जाते हैं, फिर जब हम कामयाब प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं, कामकाजों पर पढ़ते हैं, तो रिश्ते नातों की, शादी ब्याह की हमें ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। अगर आप में कोई पावर, कोई ताकत, कोई पढ़े लिखे हो तो रिश्ते तुम्हारे पीछे खुद आएंगे। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए टाइम पास करके लिए किसी लड़की को खराब करें, किसी को इज्जत खराब करें, क्योंकि कल को जब तुम बाप बनोगे तो आपकी बेटी खुद किसी के लिए टाइम पास बन जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। तो उर्दू मेरी दोस्त, एक पोस्ट है, उर्दू मेरी दोस्त, बुढ़ापे खूबसूरत है, बुढ़ापा खूबसूरत है, अगर जरा सा बढ़ाए तो बुढ़ापा खूबसूरत है, लेकिन अगर उसकी कदर की जाए तो यही एक पोस्ट है। सहारे दौड़ कर आए, नए अखबार तलाक दें। अगर जो बुढ़ापे के सहारे हैं, जो बच्चे हैं, अगर बच्चों के बच्चे हैं जो उसको तफीक, तो अगर उसको बुढ़ापे को जाहिर है सुबह उठता है, टाइम से नाश्ता मिले, अगर अखबार पढ़ सकता है, कोई अखबार पढ़ने में दे, तो ये बुढ़ापा खूबसूरत हो सकता है। तो इस वजह से पुराने गीत सुनाए, बड़ों को पुराने गीत सुनाए, जैसे मोहम्मद रफी, उस दौर के जो टॉप के, जो हमारे दौर में आज भले कितने सिंगर आ जाए, लेकिन जो हमारा दौर हम समझते हैं, लता का, मोहम्मद रफी का, सलीम रजा का, तो मेहदी हसन का, तो ये दौर सहाना। तो अगर आप उनकी यादों को ताजा करने के लिए ऐसे कुछ नगमे, गीत, गजलें सुनाए तो बुढ़ापा खूबसूरत हो सकता है। बसारत की रसवाई में मन पसंद किताबें हों, जब आंखों की बहनाई कमजोर हो जाती है, तो अगर उनकी मन पसंद किताबें हों तो फिर बुढ़ापा खूबसूरत हो सकता है। महकते शहर मौसम हो, परिंदे हो, शजर हो, बुढ़ापा खूबसूरत है। अगर ये सारी चीजें उससे मुयसर हो, खुशहाली में मुयसर हो, उसके बच्चे उसके पास आस पास हो, जो पूछने वाले हो, तो बुढ़ापा बहुत खूबसूरत हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। तो जिन्हें देखें तो आंखों में सितारे जगमगा उठें, जिन्हें देखें
आंखों में सितारे जगमगा उठे। हम बुढ़ापे में अपने बच्चों को खुश होके देखते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी मंजिल पा लेते हैं, अच्छे जाबों पर खड़े हो जाते हैं, तो हमारी आंखों में सितारे जगमगाते हैं कि हमने अपने आने वाले वक्त को खूबसूरत बना लिया। जिन्हें चूमे तो होंठों पर दुआएं झिलमिला उठे। बिल्कुल, अगर आप माँ बाप के लिए बहुत बुढ़ापे में बहुत अच्छा कुछ करते हो, तो फिर जब माँ बाप प्यार से आपको चूमते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर होंठों पे बहुत मिठास लगती है और दुआएं झिलमिला उठती है। दुआएं जो है वो खुशी से मुंह से निकलती हैं कि खुदा आपको बरकत दे और बढ़ाए। आप भी मेरी तरह बच्चों को बच्चे देखे, जवान रिश्तों की दौलत से अगर दामन भरा हो तो रफीक दिल शरीक जान बराबर। अगर जवान रिश्तों मतलब बेबी कह लो, बच्चे तो खैर है, अगर ये सारे हो तो रफीक दिल शरीक जान बराबर हो, तो जो श्री के हयात है वो जान के बराबर हो, तो मैं खड़ा हो तो बुढ़ापा खूबसूरत है। ये सारे चीजें अगर बुढ़ापे में मैसर हो तो बुढ़ापा वाकई खूबसूरत बन जाता है। आप वाकई नहीं कहते यार मैं बुढ़ापे से जवान हो गया वहां, तो जवान वाकई। मैं अगे भी एक दो बारी गल शेयर की थी कि मैं तो मेरा वड्डा भरा सारे वो तो जाते सन पिंड या घर शहर जिथे भी, कोशिश करते सन कि अपने घर च अपने मां बाप के नाल अपने पिंड च जाके बड़ा दिन खास तौर पर मनाइए। तो मैं तो मेरा वड्डा भरा पिंड च जा रहे सन, मेरा प्यो ऐसमे का सांस की बड़ी तकलीफ सी, तुर नहीं सन सकते, तो सोटी नाल तुरते सन। हालांकि अपने जमाने का खिलाड़ी नौजवान सब कुछ सी, फौजी जवान सी, ते मैं ते मेरा वड्डा भरा तुरे जा रहे सा, ते मैनू सानू कहण लगे यार एक जना सज्जे पासे हो जो, एक जना खब्बे पासे हो, गए दरम्यान च तुरन लग पे। ते सोटी हाथ से फड़ ली, जो तुरे ते कहण लगे यार मैनू सांस नहीं आ रही, ये बुढ़ापे की बात है। कि वो खुश हुए कि हम सब भाई बहन उसके साथ बड़ा दिन मनाने आए हैं, तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो जो कुछ भी उनके पास होता है वो बच्चों को खुश करने के लिए वो करते हैं। जो ख्वाहिशें होती हैं, जो बड़े दिन पे खाने पकते हैं, हलवे पकते हैं, क्या फ्रूट आते हैं, तो वो माँ बाप सब कुछ। तो ये बुढ़ापे की खूबसूरती है सारी, बहुत अच्छी है, बेस्ट है। फिर सैमसन तारक साहब लिखते हैं कैलिफोर्निया से अक्सर, उनकी शायरी उनकी अच्छी बातें मैं पढ़ता रहता हूँ। तो लिखते हैं दुनिया में कुछ बातें हैं जो सबकी सांझी होती हैं। बिल्कुल, दुनिया की सारी बातें सांझी होती हैं अगर हम आपस में बहन भाइयों की तरह रिश्तेदारियों को समझे। जैसे कहते जी वह साड़ी मां ते तुहाड़ी मां, वह साड़ी भैन ते तुहाड़ी भैन च की फर्क है। ये सारिया रिश्तेदारियां सांझियां होंदियां ने, दुख और दर्द तकलीफ सांझी होती है। वो इसलिए सांझी होती है कि अगर हम किसी के दुख को दुख समझे, किसी की तकलीफ को तकलीफ समझे, तो फिर वो सारी सांझी होती है। हम समझते हैं कि ये तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। हम जो कुछ भी जहां तक भी हम किसी के लिए कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, और यही सारी चीजें सांझी हैं, और यही प्यार मोहब्बत और रिश्ते में मजबूती होती है। हम इंसानों के हौसले भी फिक्रें भी सांझी होती हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें सांझी होती हैं। अगर हम इनको प्यार से देखें तो फिर हमारे लिए कोई बात गैर नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये वापस सब कुछ आ जाए जो किसी जमाने में ये था, सब चीजें सांझी हो सकती हैं। गुनाहगार और खाकी बंदों की, गुनाहगार
और हाकी बंदों की खुशियां भी सांझी हो सकती। हाकी तो खाक में आप जानते का इंसान तो खाक है, तो ये हवाला दिया है कि गुनाहगार और खाकी बंदों की खुशियां भी सांझी हो सकती है। तो बिल्कुल हम सबकी खुशियां गमियां, जाहिर है देखो खुशी में हम किसी के जाए ना जाए गमी में जरूर जाते हैं कि हम उसमें अपनी सांझ अपना प्यार अपना मोहब्बत दिखाते हैं, तो खुशियां भी सबकी सांझी होती हैं। सांझी मतलब सबकी एक ही चीज होती हैं। तारक के तो आंसू भी, क्या बात है तारक साहब, खुदा बरकत दे आपको, तारक के तो आंसू भी दुआएं भी सारी सांझी होती हैं। बिल्कुल, तो अगर हम सारे मिलकर देखें तो हमारी सारी चीजें सांझी हो सकती हैं, दुआएं भी सांझी होती हैं। अक्सर हम क्यों करते हैं कि दुआएं करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर दुआएं सारी सांझी हो जाती हैं। तो उसके बाद है एरिक गिल साहब, मुश्किल है बहुत गम समेट लेना, मुश्किल है बहुत गम समेट लेना, खुला बार बार खुद को समेटने, अपना गम समेटना बहुत मुश्किल है, और कई बार मैं खुला हूं अपने गम को समेटते समेटते। तो एरिक गिल साहब बहुत अच्छी चीजें लिखते हैं, ये भी यूएसए में है, मैरीलैंड में है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, गिल भाई हैं। तो इसके बाद एरिक गिल साहब की एक और पोस्ट है, ओए बाज आ जाए, पोस्ट है कोई लिंक है, तो उसमें है ये एरिक गिल साहब की पोस्ट है, जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है। ये बिल्कुल सच बात, 100% सच बात, कि जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है कि एक चमचा शक्कर मिलाकर जायके की तलखी को दूर कर दिया जाए। जिंदगी को तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूंट घूंट पीकर जीना पड़ता है, जिंदगी तो एक एक लम्हे को घूंट घूंट पीकर जीना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी बसर करने के लिए, जैसे गिल साहब ने मिसाल दी कि जिंदगी को चिल्लाने के लिए, जैसे हम चाय का घूंट सिप पीते हैं मजे ले लेकर, लेकिन इसी तरह जिंदगी को भी घूंट घूंट कर चलाना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिंदगी को कामयाब करना पड़ता है। ये नहीं कि जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है, बिल्कुल जिंदगी बहुत खूबसूरत भी होती है, लेकिन उसको बनाना, जिंदगी को उसका सबसे बड़ा उसका हाथ होना, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेहनत, सच्ची मेहनत, मुनाफकत वाली झूठ वाली मेहनत नहीं, तो फिर आप जिंदगी को खूबसूरत चाय की तरह कूट कूट पीकर मजे ले लेकर आखिरी उम्र में मजे लेंगे इन सब चीजों के। बहुत अच्छा, तो चाहे तलखी कितनी ज्यादा क्यों ना हो, जिंदगी अगर खूबसूरत है तो तलखी कितनी भी मुश्किल हो कुछ नहीं कहती। मोना नदीम कराची से हैं, लिखती हैं, रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं, हम देखते हैं यार गिल साहब ने वेख लेने ना किन्ने को पानी चने, या चाचा मामा किन्ने को पानी चने, वो तो असि ना वड्डे नु वेखने आ ना छोटे नु, असि कोशिश करने कि ओनू जमा के ते वेख लिए। तो इसी वजह से फिर वो चाचा बाबा बड़ा भाई छोटा जो भी, वक्त आने पर उसको भी ये बात याद होती है कि इसने मुझे जमाया था, मेरे ऊपर जमाइश लाई थी, तो फिर वो रिश्ते की मजबूती नहीं रहती जो रिश्ते की मजबूती होनी चाहिए। तो इसी वजह से रिश्ते कमजोर होते हैं, क्योंकि रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। तो टीना विलियम साहब है, इटली में है, तो बहुत खूबसूरत, रिश्ते मर जाते हैं, इनको गजा चाहिए। बिल्कुल
तो हम खाते हैं ग्रास, ग्रास से मतलब है प्यार मोहब्बत रफाकत शराकत चाहिए, फिर रिश्ते जिंदा रहेंगे। अगर हम यहाँ बैठे हैं मुल्क से बाहर बैठे हैं तो हमारी कम्युनिटी जो है यहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं, रिश्तेदारियों की तरह बहन भाइयों की तरह मिलते हैं। जब शादी ब्याह बर्थडे क्या वो अभी जैसे सीजन था ग्रेजुएशन का, लोग कब पार्टियां करते हैं, हम जाते हैं, लोग बुलाते हैं एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। तो ये गजा है कि ये नहीं गजा कि हम अगर 100, 150, 200 घर शहर में बैठे हैं तो किसी को पता ही नहीं कि गिल साहब को क्या हुआ या हमारे किसी दोस्त को अजीज को क्या हुआ। तो वो इस वजह से रिश्ते मर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अब जिसका कोई इतना बड़ा किरदार नहीं रहा तो इसको अब भूल जाओ, फिर खत्म हो गया। फिर जब मरेगा तो फिर हम हार भी डालेंगे, बड़ी बातें भी करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। तो रिश्तों को जिंदा रखने के लिए उनकी गजा यही है, प्यार मोहब्बत मिलता जुलते रहना, हाल चाल पूछते रहना। फिर रिश्तों उसके बाद एहसास की, साथ की, मोहब्बत की, रिश्ते की। रिश्ते मर जाते हैं, इनको गजा चाहिए एहसास की, साथ की, मोहब्बत की। एहसास हो, मोहब्बत हो, प्यार हो तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। और सबसे बढ़कर इजहार की, सबसे बढ़कर इजहार की कि किसी के पास आप जाएं, खुशी का इजहार करें, उसको उसकी कुछ यादें याद दिलाएं, उसकी जवानी याद दिलाएं, तो फिर वो और कई बातें रिश्ते में मजबूत करने के लिए होती है। मैं नहीं समझता कि जरूरी चाचे बापे ही हो, मैं दोस्ती नू, प्यार नू, मोहब्बत नू सब तो ज्यादा मजबूत रिश्ते समझना मां। तो किसी से उसके बाद है, किसी से पूछा गया कि तुम इतने मसरूफ होते हुए भी दूसरों के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो, तो जवाब मिला कि रिश्तों को अहमियत देना सीखो, वक्त खुद ही मिल जाएगा। आज के दौर में हर किसी से पूछो ओ यार वक्त ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता यार, इतना मसरूफ रहना। हालांकि जब वक्त निकालना हो तो वक्त निकलता है, लेकिन एक एक्सक्यूज बन गया कि यार टाइम ही नहीं है हमारे पास। टाइम होता है, हमने जिंदगी गुजारी, वक्त दिया, वक्त लिया, सब कुछ। टाइम ठीक है, टाइम की कदर होनी चाहिए। वक्त पर जाएं, जॉब करें, जो भी वक्त पर उठें, चर्च जाएं, लेकिन अगर टाइम किसी को, किसी गरीब आदमी को, किसी पूछने के लिए, मोहब्बत प्यार के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो जवाब मिलाकर रिश्तों को अहमियत देना सीखो, वक्त खुद ही मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात के रिश्तों को अहमियत देना सीखो तो वक्त खुद खुद मिल जाएगा। अगर हम किसी के प्यार मोहब्बत दोस्ती को याद रखें तो वक्त निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई मर जाता है तो खुदा के खुदा को प्यारा हो जाता है, फिर उसके फ्यूनरल के लिए, जनाजे के लिए वक्त निकलता ही है। जाप भी छोड़ के आते हैं, शादी ब्याह पे भी जाप छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है। तो अगर हम किसी रिश्तेदार को, अजीज को, दोस्त को खुश करने के लिए उसको वक्त दे दें तो फिर रिश्ते बड़े मजबूत हो जाएंगे। करामत सरोया जय यसू जी लिखते हैं, मेरे आका हजूर अल मसीह ने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली थी। बिल्कुल तो जान नहीं ली थी, उसने तो जाने डाली थी, बल्कि जाने बचाई थी। कभी कभी जलती हुई आग की भट्टी से, वो दानियल नबी की बात का हवाला दिया, सारी वो नजू और जो वो आग की भट्टी में डाले गए थे, और कभी शेरों के मुंह से दानियल को, और फिर सबसे बढ़कर यह कि उसने अंजील के पैगाम को
कबूल करने वाले को हमेशा की जिंदगी का हकदार बना दिया। आमीन। उसने अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए, अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए जील की मनादी से और उससे बढ़कर ये कि उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी और हमारा रिश्ता अपने खून खरीदे लोगों में शामिल करके सबसे ऊंचा रिश्ता बना दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है जय यीशु दी कि उसने जील के पैगाम को कबूल करने वाले को हमेशा की जिंदगी का हकदार बनाया। आमीन। हमने अगर हम उसको मानते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सबसे पहला रिश्ता तो खुदा बाप का, उसके बाद उसके बेटे का रिश्ता, जिसने अपने रिश्ते को मजबूत बनाया अंजील की मनादी की, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको जिंदगी का हकदार बना दिया। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद आखिरी पोस्ट है सैमसन तारक साहब, वो जैसे मैंने पहली उनकी एक नज़म पढ़ी, रिश्ते खून के एहसास के होते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जरूरी दो, अगर आपका भाई है, बहन है, चाचा, बाबा, मामा, वो तो खूनी रिश्ते हैं, वो उनको तो जाना, लेकिन वो रिश्ते जो एहसास के रिश्ते होते हैं वो बड़ी बात होती है। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपने किसी से अच्छा प्यार किया, चाहे वो अजनबी हो, प्यार दिखाया है, मदद की है, कई कई तरीके हैं एहसास दिलाने के रिश्ते, तो फिर वो अजनबी भी आपको नहीं भूलेगा। अगर वो सच्चा है और बंदे का पुत्र है तो फिर कभी नहीं वो भूलेगा। अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते। बिल्कुल, अगर एहसास ना हो तो अपने भी बिल्कुल हमें भूल जाते हैं, क्योंकि जब एहसास ही मर गया तो रिश्तेदार कौन याद रखता, कौन तू, कौन चाचा, कौन बाबा, इस दुनिया में देख रहे हैं हम अपने सामने सब कुछ देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और इसी वजह से तारक साहब ने लिखा है कि अपने खून के रिश्तों के एहसास की बात नहीं, एहसास अगर हो तो हम दूसरे लोगों को भी रिश्तेदार समझें, रिश्ते में शामिल करें तो सब कुछ हो सकता है। तो खुदा आप सबको बहुत बहुत खुशियां अता करे, अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में खुश रहें, प्यार बांटे, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसने सारी पाकलाम पढ़े तो आपको मोहब्बत ही जिक्र मिलेगा हर जगह पर, क्योंकि मजहब कोई भी किसी भी मानने वाले हो वो प्यार का रिश्ता ही बताते हैं, मोहब्बत की बात ही करते हैं। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप दहशत गर्दी करो या बंदूक उठा लो, क्लाशन को उठा लो, बम ब्लास्ट कर दो, क्योंकि वो प्यार का रिश्ता नहीं, वो दहशत गर्दी का रिश्ता है, इंसानों को मारने का रिश्ता है, खुदा की मखलूक को मारने का रिश्ता है। लेकिन सच्चा और हकीकी रिश्ता उसका है और उसके मानने वालों का और अपने खून खरीदे लोगों में शामिल करने वाले का रिश्ता है। लेकिन हमने अपने खूनी रिश्तों के साथ साथ दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पज़ीर होता है। खुदा सबको बरकत दे और अपने हफाजत अपना में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।